हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम आपको लेकर आए हैं बिरला मंदिर। तो दोस्तों, बिरला मंदिर के बारे में तो आपने बहुत चीज सुनी होगी, बहुत सारी बातें सुनी होगी। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। और हम दर्शन करने आए थे तो हमने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली को भी दर्शन कराएं, मीन्स अपने दर्शक को भी दर्शन कराएं। तो चलिए इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो ये है भोलेनाथ जी का मंदिर। पहले ही हमने दर्शन इनका किया था, आप देख सकते हो कितना प्यारा था। और सच बोले ये दर्शन करने के बाद, यहाँ पे आने के बाद जो सुकून मिल रहा था। तो चलिए इसके बारे में कुछ आपको मैं बताती हूँ। जो इस मंदिर का निर्माण ना जुगल किशोर बिरला जी ने करवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था बिरला मंदिर। तो दोस्तों, इस मंदिर का मैं ओपन होने का टाइमिंग आपको मैं बता दूं, ये सुबह 4:30 बजे खुल जाती है मंदिर, और फिर 4:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहती है। फिर 1:30 बजे से लेकर बीच में 2:30 बजे मतलब ऑफ होती है। फिर रात को 9 बजे तक खुली रहती है। तो यहाँ पे आपको रात को 9 बजे आरती का समय होता है, आप यहाँ पर आरती कर सकते हो। और ये ना 1 घंटे के लिए ऑफ होती है मंदिर। चलिए दोस्तों, तो ये जो मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। और इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था 1933 में, और इस मंदिर को बनने में पूरी तरह तैयार हो चुका था 1939 में। और इससे अच्छी सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इस मंदिर का उद्घाटन गांधी जी ने करवाया था। उन्होंने बस एक शर्त में किया था, जो कि उनका ये शर्त था कि यहाँ पे अनेक प्रकार की जातियाँ जो हैं वो यहाँ पे आके दर्शन कर सकती है, ना कि यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए किसी के साथ। तो इस मंदिर की यही एक खासियत है कि यहाँ पे कोई भी जाति के लोग दर्शन करने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम मंदिर आ चुके थे और हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे थे। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह सब यहाँ पे बाहर ही आप रख के जा सकते हो, हर चीज़ की सुविधा दी गई है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम दर्शन करके आ चुके थे तो इसके बारे में। हेलो दोस्तों, तो फिर हम दर्शन करके आ चुके थे तो आप देख सकते हो, तो हम अंदर का अलाउ नहीं था रिकॉर्ड करने, क्योंकि फ़ोन ले जाना ही अलाउ नहीं था। तो चलिए हम बताते कि अंदर आपको किस किस देवी देवताओं का दर्शन करने को मिलेगा। तो दिव्य दर्शन विष्णु, भगवान विष्णु और श्री देवी लक्ष्मी के साथ ही परिसर में भगवान शिव गौतम और भगवान श्री पवन पुत्र और हनुमान जी को भी दर्शन करने को आपको मिलेंगे अंदर। तो आप यहाँ आइए दर्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे आइए, आप दर्शन कीजिए, और भगवान विष्णु और श्री देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप आए हो तो कुछ दान करके जरूर जाइएगा। और यहाँ पे कहते जो भी मानते हैं, आपको हर चीज़ मतलब इस मंदिर में ना आप जिसको चाहो उसकी दर्शन कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे दिया गया है।
तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर न्यू है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों देखिए अब हम आ गए हैं यहाँ पे साईं बाबा का दर्शन करने के लिए। अंदर अलाउ नहीं था अंदर भी जाना, तो हमने क्या किया बाहर से ही वीडियो बना रहे थे क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था। तो फिर हम पहले दर्शन करके आने के बाद फिर हमने वीडियो शूट किया। यहाँ पे हर चीज़ आप जो भी मूर्ति वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, हर चीज़ दिया गया था यहाँ पे और आप देख सकते हैं।